काश कोई इतनी आसान सी चीज होती कि बस दो बूंद शैम्पू में डाली और बाल धोने के बाद हेयर फॉल रुक जाता, या फिर हेयर ऑयलिंग करते और एक स्टेप और करना है और हेयर फॉल रुक जाता। आप कहें और हम ना लेकर आए, ऐसे तो हालात नहीं। आज जो चीज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ, ये मिनी ऑक्सीडल अगर आपने यूज किया है अपने हेयर फॉल को सब्साइड करने के लिए, उसको चैलेंज कर चुका है और हरा भी चुका है। जी हाँ, पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आलसी से आलसी इंसान भी अपने हेयर फॉल पर काम कर सकता है और आसानी से उसको फिक्स कर सकता है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो सीखने भी मिलेगा और मजा भी आएगा। आइए जानते हैं व्हाट ऑल नीड्स टू बी डन। हेलो एवरीबॉडी, थैंक यू सो वेरी मच इस वक्त इस वीडियो पर होने के लिए। ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 नीचे लिखकर बताइए कि आज आप कितना कॉन्फिडेंट और कितना हैप्पी फील कर रहे हैं। 1 बीइंग द लीस्ट और 10 मींस द मोस्ट। मैं तो 10 on 10 हूँ। मैं काफी खुश हूँ क्योंकि मेरा परिवार सभी चैनल्स पर इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस छोड़ रहा है कि मेरा दिल इज ओवरवेल्म्ड। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो यकीन मानिए, खुश होने के लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छी संगत की जरूरत होती है, एक ऐसे एनवायरनमेंट की जरूरत होती है जहां पर सिर्फ स्माइल्स हों। और इस चैनल पर चाहे वीडियो हो चाहे कमेंट सेक्शन, आपके चेहरे पर और कुछ नहीं, सिर्फ स्माइल होगी। इसीलिए हमारे परिवार का हिस्सा आप अवश्य बनना चाहेंगे। नीचे लाल रंग का बटन है उसे क्लिक कर दीजिए, बगल में बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरे पूरे परिवार की तरह आप भी यहाँ पर टाइमली आ सके और हमारे साथ रिजॉइस कर सके। आज के वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ बहुत ही आसान तरीके, जो कि आप अपने डे टू डे लाइफ में एड ऑन करेंगे और आपका हेयर फॉल कंप्लीटली सबसाइड हो जाएगा। सब ऐसा ही बोलते हैं, होता कुछ नहीं है। ये मैं आपको थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल यूसेज के बाद बता रही हूँ। मुझे रिसेंटली कोविड हुआ था और उसके बाद आया मानसून सीजन, इन दोनों के ब्लेंड ने मुझे जो हेयर फॉल किया है ना, आई कैन नॉट पुट इट इन वर्ड्स। जिनका दिल कमज़ोर है वो आगे की फुटेज ना देखें। ये जो बोल है ये मैंने अपने ड्रेसिंग पर रखा हुआ है और जब भी मैं बाल बनाती हूँ, मैं अपने टूटे हुए बाल जो बाल गिरते हैं वो इसमें डाल देती हूँ। और आप देख सकते हैं ये सिर्फ 3-4 महीने का हेयर फॉल है और ये शैम्पू के बाद वाला हेयर फॉल है, दैट्स ऑल। जो नहाते हुए, तेल लगाते हुए, मास्क लगाते हुए बाल गिरते हैं उनका तो कोई काउंट ही नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि कितना सिवियर मुझे हेयर फॉल हुआ है। लेकिन जो चीज़ मैंने अपने लिए इस्तेमाल करी, बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई करी, आउट ऑफ विच ये जो चीज़ है इसने मेरे हेयर फॉल को कम्प्लीटली सबसाइड किया है, बल्कि बहुत ही ब्यूटिफुल हेयर ग्रोथ मुझे वापस मिल रही है एंड आई एम सुपर हैप्पी अबाउट इट। तो क्या किया मैंने, आज ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसीलिए ध्यान से सुनिए, समझिए कि क्या करना है, कैसे करना है और अपने लिए भी इस मैजिक को एक्सपीरियंस कीजिए। आज जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है रोजमेरी प्लांट लीव्स। जी हाँ, इसकी खेती इंडिया में नहीं होती है। ये एक श्रब होता है, छोटा सा पौधा होता है, जिसकी जो लीव्स होती हैं वो सुई की तरह होती हैं, निडल की तरह होती हैं और ड्राइड फॉर्म में हम तक पहुँचाई जाती हैं। इसकी खेती इंडिया में ना होने की वजह से काफ़ी एक्सपेंसिव फॉर्म में हमें मिलता है, चाहे ड्राइड लीव्स हो चाहे एसेंशियल ऑयल हो, दोनों ही एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन इतने पोटेंट होते हैं कि मिनी ऑक्सीडल, जिसका इस्तेमाल लोग अपने हेयर फॉल को कम करने के लिए करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट इसको रेकमेंड करते हैं, मिनी ऑक्सीडल का इस्तेमाल आपके स्कैल्प को ड्राई कर देता है, इचिंग करता है बहुत ज़्यादा, जिसको चैलेंज करती है ये वाली रेमेडी। क्योंकि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल से आपको कोई इचिंग नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती और आपका हेयर फॉल बहुत स्मूथली सबसाइड हो जाता है। ड्राइड फॉर्म में ये आपको ऐसे मिलता है, जिसको आप गर्म पानी में अगर उबाल दें तो आपकी रोजमेरी टी बनकर रेडी हो गई और इसके ब्यूटिफुल न्यूट्रिएंट्स आप अपनी इंटरनल बॉडी को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, है कि नहीं कमाल। इन्हीं ड्राइड लीव्स को आप हल्का सा रोस्ट कर लीजिए या एज इट इज आप अपने पास्ता में, अपनी चाउमिन में, अपनी मैक्रोनी में, अपनी खिचड़ी में, किसी में भी डाल सकते हैं एंड बिलीव मी, टेस्ट भी कमाल का होता है और न्यूट्रिएंट्स तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मिनी ऑक्सीडल को चैलेंज कर चुका है। इस पर्टिकुलर हर्ब में इतनी शानदार खुशबू होती है जो कि आयुर्वेदा में आपके स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एरोमेटिक खुशबू होने की वजह से इसकी इंसेंस स्टिक्स अवेलेबल हैं, अगरबत्तियाँ अवेलेबल हैं, आप चाहें तो इसके एसेंशियल ऑयल्स अवेलेबल हैं, कैंडल्स अवेलेबल हैं, जो कि अगेन स्ट्रेस बस्टर का काम करती हैं, आपको टेंशन से रिलीज करती हैं और आपको बहुत ज़्यादा काम डाउन करती हैं। नॉट ओनली दैट, अगर इसके एसेंशियल ऑयल के आप यूजेस देखेंगे तो आप बोलेंगे कि भाई हमें क्यों नहीं पता था, क्योंकि इसकी खेती यहाँ नहीं है, इसीलिए ये एक्सपेंसिव है और इसीलिए नॉर्मल हैंड्स में इजीली नहीं पहुँचता है। लेकिन अब हमें इसकी पोटेंसी पता चलने वाली है, इस वजह से जिनको आवश्यकता है
वो इसको ऑर्डर करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, रिजल्ट्स पाएंगे, अपने आप को फिक्स करेंगे और खुश हो जाएंगे। ये लाइफ टाइम इस्तेमाल नहीं करना, रेमेडियल एक्शन है, रेमेडी की तरह इस्तेमाल होगा और उसके बाद रोक दिया जाएगा। नाउ वी कम टू रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। इसको कहा तो ऑयल जाता है लेकिन क्योंकि इसमें फैट्स नहीं होते इसीलिए ये ट्रू ऑयल नहीं है, ताकतवर बहुत है, पोटेंसी की वजह से ही इसको ऑयल संबोधित किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि फैट्स नहीं है इसीलिए ये ट्रू ऑयल नहीं है, ये बिल्कुल पानी की तरह होता है। अगर आप एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आप डायरेक्टली एसेंशियल ऑयल इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ताकतवर होता है, ये एसेंस होता है उस पौधे की। तो कैसे इस्तेमाल किया जाए? नंबर वन, आप जब भी शैम्पू कर रहे हैं आप एक बोल में अपना शैम्पू ले लीजिए, आप जितना भी यूज करते हैं, और 2 से 3 बूंद रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की इसमें मिला के अच्छे से झाग बनाइए और अच्छे से शैम्पू कर लीजिए। इस तरह से जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके बालों को मैसेज जाता है कि भैया सिर्फ धुलना है, बह नहीं जाना है। तो आपको अगर बहुत सिवियर हेयर फॉल है और अगर आपने रिसेंटली रोजमेरी एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है तो फर्स्ट एप्लीकेशन इटसेल्फ भी आपका हेयर फॉल सबसाइड हो सकता है। जी हाँ, ये इतना पोटेंट है। सेकेंड तरीका इसको इस्तेमाल करने का हो सकता है कि जो भी हेयर ऑयलिंग आप कर रहे हैं कोशिश कीजिएगा कि वो कोई पका हुआ तेल ना हो, कोई ब्लेंड ऑफ ऑयल्स ऑलरेडी ना हो, प्लेन जेन ऑयल। वैसे भी अगर हेयर फॉल हो रहा है तो कोशिश कीजिए कि जितने सिंप्लीफाइड ऑयल इस्तेमाल कर सके उसका आप इस्तेमाल कीजिए। तो जो भी ऑयल आप लगा रहे हैं बालों में उसमें आप 2-3 बूंद डाल दीजिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि रेशो क्या होना चाहिए तो 10 बूंद तेल में 1 बूंद एसेंशियल ऑयल होना चाहिए। दैट्स वेरी सिंपल। इसको मिला के अच्छे से और उसके बाद आप अपने बालों में मसाजिंग कीजिए। ब्लड का सर्कुलेशन बुलाने में ये हेल्प करता है, तीखी स्मेल की वजह से ये बग्स को रिपेल करता है। नॉट ओनली दैट, जब आप इसकी मसाजिंग अपने बालों में करते हैं तो हेडेक से आपको रिलीफ मिलता है, अगर आपको स्ट्रेस हो रखा है तो वो सबसाइड होता है। इसकी खुशबू इतनी स्ट्रांग होती है कि सिर्फ इसके अरोमा से आप अपने आप को इतना ज़्यादा रिलैक्स फील कर सकते हैं। इसीलिए इसकी इंसेंस स्टिक्स भी आती हैं, अगरबत्तियाँ भी आती हैं, इसके कैंडल्स भी आते हैं। इट इज़ अ वंडरफुल वंडरफुल खुशबू। अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो मैं आपसे डेफिनेटली बोलूँगी कि एक बार इसको ट्राई अवश्य कीजिएगा क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके बालों के लिए क्या मैजिक कर सकता है। हेयर फॉल हो रहा है तो उसको सबसाइड कर सकता है, हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसको भी स्टिमुलेट कर सकता है। तो ये 2-in-1 प्रोसेस है एक ही एसेंशियल ऑयल के अंदर। जब आप इसका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पर करते हैं तो रिजल्ट्स मिलने निश्चित हैं। नंबर 3, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सीरम्स के अंदर। मैंने रिसेंटली ये वीडियो आपके साथ शेयर किया था जहाँ पर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के साथ ही मैंने ये सीरम प्रिपेयर किया था और इसी का इस्तेमाल मैंने अपने बालों के लिए रेगुलर बेसिस पर किया और यकीन मानिए दिस इज़ वॉट आई फील कि मेरा हेयर फॉल सबसाइड भी हुआ है और मुझे बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है। दिस इज द थिंग दैट्स वंडरफुल फॉर यू। तो आप अपने लिए सीरम को डेफिनेटली बनाइए। इन 3 तरीकों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सेवन, चाहे आप खाने में डालें चाहे चाय बनाएं, यानी कि शैम्पू के साथ ताकि बालों को वो मैसेज मिले कि बहना नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और ये सीरम जिसका एप्लीकेशन आप ओवरनाइट अपने बालों में कर सकते हैं, ये आपको इतना बेहतरीन बेहतरीन रिजल्ट देगा कि आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत सारे लोग आए इस वीडियो पर आकर लिखने ही वाले हैं कि मैजिक हो गया, हमारा हेयर फॉल सबसाइड हो गया, आप बहुत खुश हो जाएंगे। मैं सभी से अनुरोध कर रही हूँ जो भी इसको ट्राई करने वाला है प्लीज़ मेक श्योर कि आप वापस आकर यहाँ पर अवश्य लिखें कि आपका रिजल्ट कैसा रहा। ये एक सोशल वर्क होगा आपके एंड से क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं। मैं आपको नहीं बता सकती जो लेटर्स मेरे पास आते हैं, जो मैसेजेस मेरे पास आते हैं, दे आर लिटरली यू नो फ्रॉम अ स्पेस विच इज़ नॉट गुड। तो मैं चाहती हूँ उन सबको आप हेल्प करें, आप उनको हेल्प करें कि वो कॉन्फिडेंस गेन कर सकें। और उन सभी लोगों को मेरा ये मैसेज है कि बाल इम्पॉर्टेंट हैं अनडाउटेडली, लेकिन आप ज़्यादा बेहतर यू नो आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए। तो प्लीज़ बालों को हम ठीक करेंगे, मैं इतने सारे मेजर्स आपके लिए लेकर आ रही हूँ, पर आप अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करेंगे, इट्स ओके। एंड टू द रेस्ट ऑफ माई फैमिली, अगर हम किसी ऐसे जन से मिलते हैं जिसको बालों की परेशानी है, स्किन की परेशानी है, प्लीज़ मेक श्योर कि आप थोड़ा जेंटल रहें। आप किसी की परेशानी को सीधा देखें या सीधा बात ना करें उस बारे में, उनको रिलैक्स फील कराएं। अगर आप किसी की परेशानी के लिए संवेदनशील होते हैं तो ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, आपके चरित्र को बहुत ज़्यादा आपको बहुत अच्छा फील कराता है। तो प्लीज़ अपने लिए अच्छा फील कीजिए और दूसरों को अच्छा फील कराइए। आई होप मेरा मैसेज आप तक पहुंच चुका है। इन 3 तरीकों को अगर आप
अपने लिए आजमाते हैं तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूँ ऑलरेडी आपको ये बात शेयर करके कि मेरे परिवार को अब बहुत अच्छे सा रिजल्ट मिलने वाला है और वो बहुत खुश होने वाले हैं, और आप खुश तो हम खुश। बस यही चीज़ मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहती थी। आशा करती हूँ आप इसको एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो करेंगे और अपने लिए बेहतरीन रिजल्ट्स पाएंगे। ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे लिखकर मुझे भी हेल्प कीजिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्या करना है, गिव अ थम्स अप। अगर आपके सर्कल में कोई ऐसा जना है जिसको इस वीडियो की आवश्यकता है उसके साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना जाने की गुस्ताखी मत कीजिएगा। मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूंगी। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन विद समथिंग मैजिकल फॉर योर हेयर स्किन एंड हेल्थ। तब तक के लिए रिजॉइस, एंजॉय कीजिए, फेस्टिविटी है बहुत सारी, सबको एंजॉय कीजिए। आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। Non-transferable, थोड़ा सा है।